हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वॉइस ओवर, क्योंकि भाई आज हमें बनाना है एक एक्सपी फार्म। और ये वीडियो बन गई थी भाई करीब एक घंटे लंबी, तो इसको ट्रिम कर मैंने 6 घंटे का किया है, इसीलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ और वीडियो बहुत तेज़ चलेगी। तो अगर आपको एक एक्सपी फार्म बनाना है तो ये आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो हो सकती है। आपको भाई मैं अभी बता दूं, पत्थर आपको बहुत सारा चाहिए। ये जो मैंने सामान ले लिया है, आप एक बार मेरी इन्वेंटरी देख लो, आपको ये सारे सामान लेने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से होती है हमारे काम की शुरुआत। हमको जो है पहले यहाँ पर 4 ब्लॉक डिक कर लेने हैं और इसमें हमें लगा देने हैं 4 चेस्ट कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें क्राउच वाले बटन पर क्लिक कर भाई ये बैठ कर नीचे, और हमें ये लगा देना है इस पर होपर। और होपर लगाने के बाद भाई यहाँ पर बना कर लाने हैं स्लैब। मुझे याद नहीं रहा था तो बाद में अगर लाया मैं स्लैब। और यहाँ पर ऐसे करके हमें स्लैब लगा देने हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और उसके बाद 4। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, कुछ इस तरीके से कि हमारे पर ब्लॉक लगाना है और इस तरीके से, और इसके बाद ऊपर चढ़कर यहाँ ब्लॉक लगाना है। जो नीचे ब्लॉक लगाए हैं दोनों भाई, उनको हम तोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमको इसकी बाउंड्री कर देनी है, आप बहुत ध्यान से देख लेना, मतलब उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए बाउंड्री। 1 सेकंड ये गलत लग गया, अब लोग इसको जल्दी से तोड़ देते हैं। हाँ तो ये टूट गया। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, हमको थोड़ा सा यहाँ पर पानी लेना है, और पानी से क्या करना है, हमको यहाँ पर हर जगह पानी डाल देना है। पानी क्यों डाल रहे हैं भाई, इसका अभी आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल मैंने हर कहीं यहाँ पर पानी पानी डाल दिया है, और अभी फिलहाल हमें क्या करना है, इस पर एक और ब्लॉक चढ़कर, और यहाँ पर जैसे एक ये लेयर बन गई, अब यहाँ पर ये दूसरी लेयर मैंने बनाई है 2, तो हमें इस तरीके से भाई ऊपर तक टोटल 18 लेयर्स बनानी है। याद रखना, ना कि ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम। तो जल्दी से 18 लेयर, अब ये तीसरी हो गई इस तरीके से 18। तो ओके गाइस, फिलहाल ये 18 लेयर बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटर वाले 2 ब्लॉक है ना, इसमें से एक ऐसे करके, एक ये, उसके बाद 2 3 4 5 6, 1 सेकंड 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 9 नहीं, ठीक है 8 ब्लॉक लेने हैं गाइस आपको, 9 नहीं लेने, 8 ब्लॉक। तो 8 ब्लॉक के आपको चारों तरफ को ऐसे ऐसे करके ये लेयर बना देनी है। अब मैं फटाक से यहाँ पर टॉर्च लगा देता हूँ, इससे पहले कि यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाए। ओके ये लग गई यहाँ पर टॉर्च। तो ओके गाइस, अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, देखो गाइस हमको ये 1 ब्लॉक यहाँ पर लगाना है, और ये मैंने गलती से तोड़ दिया था, असल में तोड़ना नहीं है। और हमें इस तरीके से भाई ये चारों तरफ को बाउंड्री कर देनी है। अब यहाँ पर लास्ट में आकर आपको देखना है कि इस वाले ब्लॉक पर लगानी है बाउंड्री, ना कि इससे आगे निकलना, उसके बाद यहाँ। और इस तरीके से हमें ये बाउंड्री चारों तरफ को करनी है। तो अब यहाँ पर देखो, मुझे रियलाइज़ होगा कि वो लगाना था, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। अब गाइस देखो, ये था पानी का यूज़। अब मेरे यहाँ पर पत्थर सारे ख़त्म हो गए थे और रात भी हो गई थी, अब मैं ऊपर से कूदता तो वैसे मर जाता, और 36 XP हैं, जो कि आगे जाके मैं वीडियो में मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी अब मैं, रात हो गई थी और मैं आकर सो गया। उसके बाद मैंने थोड़े से जितने सारे पत्थर थे सारे के सारे पत्थर निकाल लिए। और अब क्या, इसलिए आपको लैडर्स बनानी है ताकि आप लैडर्स पर लगा कर इस पर चढ़ जाओ, अगर आप सर्वाइवल में बना रहे हो। तो क्रिएटिव में तो भाई आप उड़कर भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत से लोग सर्वाइवल वर्ल्ड भी खेलते हैं मेरी तरह, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते ना हम। तो यहाँ पर लैडर लगा कर मैं ऊपर आ गया, और इस तरीके से जैसे यहाँ बनाई है, इसी तरीके से हमें ये चारों तरफ बना देनी है। अब इसके बाद हमें इसको एक एक लेयर और ऊपर करना है, तो इस तरीके से हमें सब में और भी पत्थर लगा देने हैं एक एक लेयर के। तो जल्दी जल्दी लगा। तो ऑलराइट गाइस, फिलहाल ये सारे पत्थर लगकर यहाँ पर हमारे तैयार हो गए हैं। और अभी हमें पता है क्या करना है, ये जो गैप है ना, इसको टोटल हमें फिल कर देना है। फिल इन द सेंस भाई, इस तरीके से देखो, ये 1 2 3, मतलब ये पूरा आगे तक का ना एक प्लेटफॉर्म बना देनी है यहाँ पर, इस तरीके से एक प्लेन प्लेटफॉर्म। तो राइट गाइस, ये एक तरफ की तो प्लेटफॉर्म हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इस पर जल्दी से हम वो लगा देते हैं ताकि और ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। और बाकी भाई मेरे पास सारे पत्थर खत्म हो गए, तो अब मुझे जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए। तो राइट गाइस, मैं माइनिंग में आ गया, और अभी देखो मैंने इतने पत्थर टोटल माइन कर लिए हैं, अभी और जल्दी जल्दी माइन करते हैं। तो राइट गाइस, देखो मैंने ये पूरा का पूरा भाई एक रूम खाली कर लिया है अपने लिए यहाँ पर माइन करते करते, तो अभी भी मुझे कमी लग रही है। तो ऑलराइट गाइस, ये देखो मैंने अभी तक बहुत माइन कर लिया, मुझे यहाँ पर आयरन और भी मिल गया, और इतना बड़ा सा भाई एक रूम माइन कर लिया। तो आई थिंक इनफ हो चुके हैं मेरे पास पत्थर गाइस, बहुत पत्थर चाहिए इसे बनाने के लिए। तो जल्दी से भाई भाग कर मैं यहाँ पर जा रहा था घर में, लेकिन मुझे थोड़ी सी यहाँ पर मस्ती सूझी। अब मस्ती क्या सूझी, मुझे स्केलेटन दिख गया भाई, और स्केलेटन वुल्फ से डरते हैं, तो मैंने अपने वुल्फ को खड़ा कर दिया और स्केलेटन से भाई कटवा दिया। यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी भी आ गया था, और भाई वो उसने मार दिया। उसके बाद मेरे इसको थोड़ी सी हेल्थ की ज़रूरत थी, तो इसको मैंने एकदम से बीफ खिला दिया, और ये रिकवर भी हो गया। अब गाइस, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको पानी भर लेना है, हमें ऊपर जाकर बनाना है इनफाइनाइट वाटर सोर्स। अब आप बार बार ऊपर नीचे आकर भी पानी लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनफाइनाइट वाटर सोर्स ठीक रहेगा।
तो ऑलराइट गाइस, ऊपर आज कर आपको यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ को इसे फिल कर देना है और ढेर सारी टॉर्चेस लगा देनी है। उसके बाद दो दो लेयर ऊंचे आपको और इसके बाउंड्री बना देने हैं। ये भी कोबल स्टोन, मतलब किसी भी ब्लॉक का आप यूज़ करते हो, कर सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारी दो दो ब्लॉक ऊंची और बाउंड्री बन गई है। अब हमें इसको बनानी है छत। तो छत किस तरीके से बनानी है, ज़रूरी नहीं आप साइड में ही ब्लॉक लगाओ, आप इस तरीके से यहाँ पर बस बीच में एक ब्लॉक लगाकर, और एक सेकेंड, हाँ तो बीच में ब्लॉक लगाकर आप इसको पूरा छत से कवर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलराइट गाइस, फिलहाल इतना ही बन पाया और मेरे कोबल स्टोन्स ख़त्म हो गए। तो अभी फ़िलहाल मैं जो भी मेरे हाथ में रैंडम ब्लॉक आएगा भाई, मैं उससे बनाने वाला हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है माइनिंग करने के लिए। तो ऑलराइट गाइस, फिलहाल यहाँ पर हमारी छत बन गई। आपको यहाँ पर फिर से ढेर सारी टॉर्चेस लगा देनी है और उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ ट्रैप डोर्स लगाने हैं जो इस सेंस से बंद हो। उसके बाद आपको ये इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाने के लिए कुछ इस भाई देखो, ये ट्रैप डोर्स इस तरीके से खुलनी है सारी, इसे ऐसे लगाना। और इनफाइनाइट वाटर सोर्स में आपको अगर पानी का अनलिमिटेड सोर्स करना है तो दोनों बकेट डालना दोनों साइड से, और बीच वाले ब्लॉक से जब आप पानी लोगे तो वो कभी पानी ख़त्म ही नहीं होगा इस तरीके से। फिर आपको ऐसे दोनों साइड में एक एक बकेट पानी डाल देना है चारों तरफ, मतलब। तो ऑलराइट गाइस, फिलहाल चारों तरफ का हमारा ये हो गया और बस इतना ही हमें करना था ये बनाने के लिए। तो ये हमारा बनकर आई गेस तैयार हो चुका है। अब इस वाले ब्लॉक को तोड़ देते हैं। आपको सारी टॉर्चेस तोड़ देनी है और ये वाला एरिया भी खोल देना है यहाँ से। उसके बाद हमें साइड से यहाँ पर निकल जाएंगे आसानी से, और इतना ही काम था। अब भाई ये मैंने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाया है, तो ये मेरा एपिसोड 5 था माइनक्राफ्ट का। तो फिलहाल अभी मुझे यहाँ से नीचे जाना है, तो मैं एक लॉन्ग जंप मारूंगा और यस। तो अभी फ़िलहाल जो पानी हमने नीचे बहाया है हम उसको हटा सकते हैं, और ये देखो गाइस स्पॉन होना शुरू भी हो गया। स्केलेटन अभी आपके सामने नीचे आया। तो आप भी इसको अपने वर्ल्ड में बना सकते हैं, काफ़ी इजी सा है। बस आपको पत्थर वगैरह काफ़ी चाहिए, बाकी वीडियो की थोड़ी स्पीड भी तेज़ है इनू, क्योंकि एपिसोड भाई बहुत लंबा हो जाता वरना। तो कोई दिक्कत आए अगर बनाने में तो मुझे बता देना। बाकी देखो ये एक एक किल में गिर रहे हैं और ये शायद हड्डी बाहर को आ गई इसकी, कोई नहीं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और कमाल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हाँ गाइस, एक लास्ट बात तो ये रह गई, आपको यहाँ पर जो है बहुत सारी अपने घर के आसपास इस तरीके से टॉर्चेस लगा देनी है, क्योंकि भाई वरना आसपास में ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे, ऊपर नहीं होंगे। तो आपको अपने आसपास टॉर्चेस लगा देनी है और ताकि ऊपर स्पॉन हो। तब तक बाय बाय।